जय गुरु जी, जय गुरु जी। डोली आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज के बड़े दिन से आ रहे थे सत्संग, और आदेश भी आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना सुख शुक्राना सत्संग शेयर कर कुड़िए, चैन नाल सोया कर, घबराया ना कर। जब ये मैं खोलती तो हमेशा मुझे ऐसे ही मैसेज आते। गुरु महाराज ने बहुत कृपा की है, आगे भी करते रहेंगे, उनको साथ में लेकर चलते हैं तो कोई काम भी रुकता नहीं है। जो खड़े भी हो जाते हैं, काम रुक भी जाते हैं, वो अपने आप बन भी जाते हैं। मेरे गुरु महाराज की इतनी कृपा है कि हम इंसान हैं, हम घबरा जाते हैं, और गुरु महाराज ये बार बार कहते हैं, घबराना नहीं कुड़िए, मैं तेरे नाल हूँ। और वाकई में मेरे महाराज, मेरे गुरुपा हमारे साथ हैं। मैं अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ कि मेरे, मैंने आगे भी बहुत बार शुक्राना किया, पर मैं गिनना नहीं चाहती, क्योंकि जब हमारे गुरु महाराज जो हैं देकर गिनते नहीं हैं, तो हम क्यों गिने। मेरे गुरु महाराज की बहुत कृपा है, सब संगत पर बहुत कृपा है। जितना बोलूँ उतना ही कम है। हम लोग इस चीज़ से वाकिफ हैं कि गुरु महाराज वो भी कर देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। मेरा बेटा बाहर से आया था, मैंने आगे भी बहुत बार शेयर किया है। मेरा बेटा बाहर से आ गया था और कनाडा से वापस आया था। गुरु महाराज ने उसके भी हमें पैसे ऐसे वापस दिलवाए फीस के कि जैसे कभी कोई सोच नहीं सकता। वो जो हमारे साथ गुरु महाराज ने चमत्कार किया। यूनिवर्सिटी कभी किसी के पैसे वापस नहीं करती, पर गुरु महाराज ने एक एक पैसा वापस दिलवाया। और बहुत बार बोला था, कुड़िए तेनू चिंता करने की कोई लोड़ नहीं, तेरा एक एक पैसा 15 दिन च वापस आएगा। और वाकई में वो 15 दिन में ही वापस आया। हो सकता है मैं अब थोड़ा भूल गई हूँ कि शायद 1-2 दिन ऊपर हो गए होंगे, लेकिन वो पैसा पूरे का पूरा वापस आया। शुक्राना महाराज, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मैं गुरु जी की संगत जलंधर से हूँ, हमेशा डोली आंटी से सत्संग शेयर करवाती हूँ। उनको बोलती हूँ, डोली आंटी मेरा सत्संग शेयर कर देना, और वो करते भी हैं। गुरु महाराज इनका भी बहुत भला करें, ये सारी संगत के साथ बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से। अगर कुछ नहीं समझ आता तो डोली आंटी को फ़ोन करते हैं, डोली आंटी हमें बताते हैं कि संगत जी आप ऐसे कर लो, आप ऐसे अरदास करो, गुरु महाराज कृपा करेंगे। शुक्राना डोली आंटी, आपका भी गुरु महाराज आप पे ऐसी कृपा बनाए रखें। मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा बेटा बाहर से वापस आ गया था तो हमने कभी सोचा नहीं था। वो ये भी बोलता था कि मैंने पापा के काम में काम नहीं करना मम्मी। चलो, बच्चों के आगे बहुत झुकना पड़ता है इंसान को। मैंने अपने गुरु महाराज से अरदास लगाई, गुरु महाराज कृपा करो, की करना आंदा हुण तुसी देखो, अपने आप तुहाडे ते छड्डे है। गुरु महाराज दे बार बार आदेश हो रहे थे, कुड़िए तेनू नवा काम ब्लैस कर रहे हैं, कुड़िए तेनू नवा काम ब्लैस कर रहे हैं। गुरु महाराज ने वो कृपा की, मेरे बेटे ने कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदारी का काम शुरू कर दिया। बहुत महाराज की कृपा रही, जो जो नहीं सोचा था वो भी हुआ। पर जिनके ऊपर भरोसा करके काम शुरू किया था, उन्होंने बाद में धोखा देना शुरू कर दिया। धोखा जैसे जलसी करनी शुरू कर दी, जलसी होनी शुरू कर दी। बस बच्चे की फाइलें जो होनी थी वो नहीं हो रही थी। बहुत टेंशन रही, क्या करें गुरु महाराज, क्या करें, आप ही देखें। ऐसा महाराज के आगे अरदास 2-3 महीने 4 महीने बहुत खराब रहे। गुरु महाराज का आदेश होना बार बार, कुड़िए सबर कर, अमृत वेला अपना संभाल, कुड़िए सबर कर, अपना अमृत वेला संभाल। गुरु महाराज की ऐसी कृपा, अमृत वेला महाराज ने करवाया। बहुत अब भी करवा रहे हैं, अब आज भी अमृत वेले में ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज की कृपा, धीरे 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 काम बनने लगे, काम होने लगे, फाइलें होने लगी। गुरु महाराज की ऐसी कृपा बनी कि जो बंदे खराब करते थे, उन्होंने उनको एक तरफ ही कर दिया, बिल्कुल ही एक तरफ, बिल्कुल जीरो के बराबर कर दिया।
और गुरु महाराज बार बार आदेश देते थे, कुड़िए जेड़ा तेरे काम विच अटकना पा रहा है मैं उसनू आपे देख लांगा, तू अपना अमृत वेला संभाल, मंत्र जाप करिया कर। मंत्र जाप दे विच बड़ी शक्ति है, महाराज ने बहुत सहारा दिया, हर काम में सहारा दिया। सत्संग करते करते मन भरता है पर गुरु महाराज सामने बैठे होते हैं तो बस सब कृपा कर अपने आप कर देते हैं। गुरु महाराज ने फिर बड़े मंदिर आने का बहुत बार मन करता था, गुरु महाराज ने वो भी किया। दिल्ली गए किसी काम से, पर वहाँ पर जाकर एक ही विनती बार बार करी, जो गुरु महाराज बड़ा दिल करता है तुहाडे कोल आण नूं, बुला लो बुला लो। वहां पर गुरु महाराज ने ऐसा बना बनाया जिनके घर में गए थे, वो कहते मेरे से बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, आजकल वो उनके पापा वो चलाते हैं टैक्सी, तो उनसे पूछती हूँ अगर आपका बनता है। बार बार बोली जो गुरु जी जितना मर्जी लेके आओ, मैं मंदिर आना है, मैं तुहाडे कोल आना है गुरु जी, मैं तुहाडे कोल आना है। ऐसी कृपा की गुरु महाराज ने, बैठे बैठे उन्होंने वहां हमें अपने बड़े मंदिर बुला लिया। वाह क्या दर्शन हुए, लंगर प्रसाद खाया, और जो साथ में गए थे वो कहते कि मेरे से चला नहीं जाएगा आंटी, इनको संग अपने सेवादारों को बोल दो टैक्सी अंदर लेकर जाने दें। मैंने जब उनको बोलने के लिए शीशा नीचे किया गाड़ी का, तो अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं था, उन्होंने हाथ दे दिया जाइए। वाह मेरे गुरु महाराज इतनी कृपा, इतनी कृपा, वाह वाह। और दर्शन किए, लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद दिया, बहुत दर्शन बढ़िया हुए, मजा आ गया। मेरे गुरु महाराज शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, जो जो बोलते हो वही कर देते हो, संगत का इतना ध्यान रखते हो गुरु जी महाराज। कई बार मन नहीं करता है कि गुरु जी महाराज तुसी कोल हुंदे, थोड़ी कोल बैठ के गल्ला सुनांदे, पर अपने गुरु महाराज के दर्शन करते। पर गुरु महाराज आप ऐसे 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 काम करते हो कि ऐसे लगता ही नहीं कि आप हमारे पास नहीं बैठे हुए, आप हमारे अंग संग हो, हमेशा साथ रहते हो। शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना शुक्राना मेरे दाता जी। डोली आंटी आपका भी शुक्राना, मेरा ये सत्संग जरूर शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।